हम लोग को शिक्षा दे रही है सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे कोई बेटी बचाए और बेटी को पढ़ाए। क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड की हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो फिर ज्वाइनिंग भी इतना देर क्यों है। तो मांग क्या, आचार संहिता के पहले होली के पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए और कुछ नहीं। ज्वाइनिंग दे, ज्वाइनिंग दे सरकार, हमें ज्वाइनिंग दे, ज्वाइनिंग दे। इलेक्शन बोला कि एक हफ्ते में कुछ गुड न्यूज आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा। अच्छा। एक हफ्ते में 7 दिन 10 दिन आज हो गया, आज कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज हम लोग हार फार कर फिर स्वास्थ्य विभाग में आए हैं कि यहाँ से हम लोग को सुनने के लिए मतलब मौका मिले कि यहाँ की। हम लोग रोड पे आ गया, कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, किस आधार से किस सिलसिला से हम लोग कर सकते हैं। नहीं आता है तो यह क्या अन्याय हुआ, ये तो अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ ना। इलेक्शन है, अगर नहीं सुनेंगे तो लोग को वोट नहीं मिलेगा 887 का। हाल में क्या है स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा, ये आपको जीता जाता उदाहरण दिख रहा होगा हमारे पीछे। आप देख सकते हैं क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है, एनएम की जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पे देखिए प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार में कहते हैं एक तो रोजगार नहीं है, जब महिलाएं एग्जाम दे देती हैं और सब चीज़ अगर हो जाता है उसके बाद भी महिलाओं को यहाँ पर रोड पर उतरना पड़ जाता है। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग उतरी हैं? हम लोग बस यही मांग है कि वोट अथी मतलब कि इलेक्शन से पहले हम लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए। अच्छा, इलेक्शन से पहले? जी हाँ। आप लोग का क्या है? जब 2 महीने वो जल्दी जल्दी हम लोग एग्जाम भी लिए, स्कोर कार्ड दी, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड की हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो फिर ज्वाइनिंग भी इतना देर क्यों है? मेडिकल भी हम लोग का होगा, फिर ज्वाइनिंग भी इतना देर क्यों सरकार कर रही है? पद का मांग थी सिर्फ, हम लोग का मांग है कि आचार संहिता के पहले होली के पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए और कुछ नहीं। कितने दिनों से आप ये प्रदर्शन कर रही? 10 से 11 दिन से हम लोग ये कर रहे हैं। किन्हीं से बातचीत नहीं हुई आप? बीटीएससी ऑफिस में हम लोग की बात हुई थी, उन्होंने बोला कि एक हफ्ते में कुछ गुड न्यूज आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा। अच्छा। एक हफ्ते में 7 दिन 10 दिन आज हो गया, आज कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज हम लोग हार फार कर फिर स्वास्थ्य विभाग में आए हैं कि यहाँ से हम लोग को सुनने के लिए मतलब मौका मिले कि यहाँ की आगे क्या करेगी सरकार। अच्छा, यानी कि आपको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है कि गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन अब तक गुड न्यूज नहीं आया? नहीं आया अभी तक, नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल। मांग है आप? नियुक्ति पत्र चाहिए। ज्वाइनिंग दे, ज्वाइनिंग दे सरकार, हमें ज्वाइनिंग दे, ज्वाइनिंग दे। इलेक्शन से पहले? जी। क्या लगता है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है सरकार और एक तरफ से आप लोग को रोड पर उतरना पड़ता, तो क्या लगता है? यही हम लोग को शिक्षा दे रही है सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे कोई बेटी बचाए और बेटी को पढ़ाए। यही तो एक जीता जागता मिसाल बनेगा बिहार का, फर्स्ट मतलब जो है अंक में इसका ये किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा। हम लोग को रोड पर पढ़ा लिखा, मेरे माँ पिताजी पढ़ाए तो हम लोग रोड पर आ गया, कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, किस आधार से किस सिलसिला से हम लोग कर सकते हैं, परिवार को बढ़ा सकते हैं, बच्चे को विकसित कर सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं। क्या कह रही थी आप? कैसे पढ़ेगा कोई, कोई नहीं कैसे पढ़ेगा। इसी में तो लोगों का मनोबल टूटता है ना, वो पढ़ाई करते हैं मेहनत करते हैं क्वालिफाइड होते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग ही नहीं आता है, तो ये क्या अन्याय हुआ, ये तो अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ ना। ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा? लास्ट ऑप्शन वही है हम लोगों के पास, अभी जितना शांत कीजिए, धैर्य पूर्वक हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सरकार की, नहीं सुने, देख रहे हैं शांति से, अभी शांति पूर्वक है। अगर नहीं सुनती है आपकी बात सरकार तो क्या कीजिए? धरना पे जाएंगे, फिर धरने पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अनशन पे जाएंगे। हाँ नाराजगी, हाँ इतना नाराजगी, और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं तो वोट भी नहीं। 10 दिन का टाइम दिए हैं, 10 दिन देखिए, ठीक है देखते हैं। 10 दिन तो हो ही गया। हाँ जी, हाँ जी, दे रहे हैं टाइम पे, टाइम ही दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दिया जा रहा है आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग कितने दिन तक आश्वासन पे जिएंगे? पीछे महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या लगता है मैडम, आप लोग ऐसे प्रदर्शन कीजिएगा तो क्या लगता है सरकार आपकी बात सुने? हमें तो लगता है सुनेगी, क्योंकि आगे में इलेक्शन है, अगर नहीं सुनेंगे तो वो लोग को वोट नहीं मिलेगा 887 का। इलेक्शन होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। इलेक्शन होंगे लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। इतना नाराज है? हाँ। इनका टाइम दिए हैं तो वो भी देख लीजिए। टाइम तो एक ही सप्ताह के दिए थे ना, एक सप्ताह तो पूरा हो चुकी है, अभी तक तो कोई निर्णय निकाला नहीं गया है हम लोग के पक्ष में। अच्छा। तो हम कैसे जैसे लगातार आप लोग मांग कर रही हैं? हम लोग 4 तारीख से मांग कर रहे हैं। 4 तारीख जी, तो कुछ रिजल्ट निकल कर नहीं आया है आप लोग का? हाँ, और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, ऐसे प्रदर्शन कीजिएगा सरकार आपकी बात सुने? अब वो तो सरकार ही का राजनीतिक है तो सरकार ही बताएंगे ना। सरकार का राजनीतिक शायद लगता है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग बीटीएससी ऑफिस से गए तो वो भी बोले कि आपके फेवर में ही है, और फिर वो बोले कि जाइए वहाँ स्वास्थ्य विभाग, तो यहाँ भी मिले तो बोले कि आपके फेवर में ही, तो सिर्फ फेवर में ही है ना, हम लोग को तो कुछ वैसा कुछ देखने के लिए मिल ही नहीं रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग को तसल्ली दिया जा रहा है, डेट पर डेट सिर्फ दिया जा रहा है, डेट पर डेट टाइम पर टाइम दिया जा रहा है। जी हाँ। यहाँ पे क्या करने आई हैं आप लोग सचिवालय? हम लोग अपनी मांग पूरी करने आए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग दे दिया जाए।
कितना ऐसे मिलेगा आप लोग को? अब ये सरकार का मन में क्या है वो वही बताएंगे ना। कितने संख्याओं में आप लोग आई हैं? हम लोग 150 से लगभग ज्यादा हैं। कितने दिनों से कर रही है प्रदर्शन? हम लोग लगभग मतलब 10 से 12 दिन हैं। 10 से 12 दिन? जी हाँ। और आप लोग का क्या लगता है, मांग पूरा हो पाएगा? अब ये तो कुछ शिक्षक लोग अंदर गई है सर से बात करने के लिए। कड़ी धूप में आप लोग खड़ी हैं, सरकार से गुहार लगा रही हैं, मांग कर रही हैं, तो क्या लगता है, क्या आपकी बात सुनेगी सरकार? सरकार को मानना ही पड़ेगा। जब उन्होंने जैसा प्रक्रिया बोला हम लोगों ने सेम वैसा ही सब कुछ किया, फिर नियुक्ति पत्र इतना देर क्यों कर रही सरकार? अभी शिक्षक लोग अंदर गई है, वो लोग बताएंगे कि सरकार ने क्या बोला है नहीं बोला। सब लोग बोलते हैं बिहार पीछे है, पीछे है, पीछे। जब लड़के लोग आगे बढ़ना चाह रहे तो उनको और पीछे खींच रहे हैं लोग कि आगे मत बढ़ो। अब देखिए अब सरकार क्या करती है। कहाँ से आई हैं? हम गया से आए हैं। गया से? कुछ स्टूडेंट है, एनएम की स्टूडेंट है, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार हम लोग एग्जाम कहते हैं, पहले तो बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए अगर लड़कियां अगर उतरती हैं कुछ करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो एक तरफ से एग्जाम भी ये लोग का ले लिया जाता है, जल्दी से पहले एग्जाम ले लिया जाता है। जब एग्जाम इन लोग दे देती है तो फिर हर चीज़ों में दिक्कत हो जाता है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है अगर हम लोगों की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो इससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। यानी आक्रोश में आ चुकी है सरकार से, लगातार गुहार पे गुहार कर रही है, लेकिन इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या स्टूडेंट के बारे में क्या है, इन लोगों का बात सुनना चाहिए सरकार को, पहुंचना चाहिए या नहीं? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।